ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हमारे साथ में हैं पूर्व मंत्री और भाजपा के सचेतक राजेंद्र जी राठौड़ साहब। राठौड़ साहब, आपने बताया कि प्रतिशोध ने प्रतिस्पर्धा का स्थान ले लिया है, और जो राजनीतिक स्वस्थ जो परंपरा होनी चाहिए लोकतंत्र में, वो कहीं ना कहीं गौण होती जा रही है। मूल्यों में भी परिवर्तन आ रहे हैं, निश्चित रूप से देखने को भी मिल रहा है। राठौड़ साहब, पिछला जो चुनाव था वो काफ़ी करप्शन पे कांग्रेस ने एक बड़ा इशू बनाया उसको, और बात करें कि सीटों के अंतर की बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, क्लियर मेजोरिटी किसी को नहीं मिली, भाजपा को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। आप क्या मानते हैं कि जनता ने आपको हराया, या भाजपा के आपसी जो विवाद है उसकी वजह से भाजपा पा रही है? जनता भारतीय जनता पार्टी के नेता वसुंधरा जी को फिर सत्ता सौंपनी चाहती, परंतु हम अपनी गोटियों को ठीक से रख नहीं पाए। जिस हिसाब से चुनाव के द्वंद में, चुनाव के युद्ध में उतरना चाहिए, तो उसमें कमी खामी रह गई। इसमें भी अतिशोक्ति नहीं होगी कि जिस तरह की समरसता और एकता के साथ हमें उतरना चाहिए था, उसमें भी छोटी मोटी कमी रहेगी, जिसके कारण हम चुनाव हारे। कांग्रेस को सत्ता नहीं सौंपी, और ये पहली सरकार है जो जिसको मैं सरकार को कहूँगा कि ये सरकार अपने दोनों पाँव पर नहीं है। एक पाँव तो इसने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़कर, मैं इसको डेमोक्रेटिक करप्शन भी कहूँगा, बहुजन समाज पार्टी से जीते हुए लोगों के सहारे से सरकार में ये बैठे, आज संसदीय कार्य मंत्री बना रखे इन्होंने निर्दलियों को। आज इस सरकार के अंदर सरकार के का अंतर विरोध, मंत्री मंत्री के खिलाफ बोलने लग जाए, सरकार का मंत्री सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाए, विधानसभा के अंदर मंत्री पूछने लग जाए कि बिजली क्यों नहीं आ रही है, और विधायक मिलने पहुंचे और मंत्री पीछे दरवाजे से भाग जाए, ये पहली सरकार में देखी है। हर एक चीज की गरिमा है, इस गरिमा को तार तार करने का काम भी सरकार ने किया। मैंने प्रतिशोध की बात कही, बिल्कुल सोच समझ के कही। आपने देखा होगा इतना बड़ा विज्ञापन जारी किया था कि राजस्थान को हमने बेच दिया, 22,000 करोड़ का हमने करप्शन कर लिया। वो मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर हमें आरोपित किया था, उन सारे मुद्दों को लेकर माथुर आयोग बना, और माथुर आयोग को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने नकार दिया। हमने पहले दिन कहा था कि आग में हिम्मत है तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बनाइए। बेबुनियाद बातें और बिना कोई आधार पर आरोप लगाकर चले जाएं, हो सकता है, पर सच्चाई ज़्यादा दिन छुप नहीं सकती। और इस सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर जो कीर्तिमान स्थापित किया है, इनके खुद के मंत्री मुकुल वासनिक ने समीक्षा की और उसमें यही आया कि पूरे देश के अंदर सर्वाधिक अनुसूचित जाति पर अत्याचार कहीं हो रहे तो राजस्थान में हो रहे हैं। अपराधों की बढ़ोतरी 283% हो गई। जयपुर बड़े नगरों के अंदर अपराध की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आ गया, थाना और कचहरी नीलाम हो रहे हैं। ये मैसेज की राजनीति जो हमारे गांधीवादी मुख्यमंत्री जी करते हैं ना, ये ज्यादा समय चलने वाली नहीं है। लोगों को मैसेज है तो क्या हो रहा है। तो राठौर साहब, ये बताएं कि जो करप्शन इश्यू बनाए कांग्रेस ने, अभी तक वो साबित नहीं हो पाए, तो भाजपा इसको वापस इश्यू बनाएगी कि जांच करवाइए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर मौजूदा सरकार के खिलाफ न केवल मीडिया में बल्कि तार्किक रूप से इन भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या तो इनका खंडन करो। आज तक ऊर्जा उत्पादन में सोलर ऊर्जा हो, चाहे थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे कल्पतरु कंपनी के साथ मुख्यमंत्री जी की नज़दीकियां हो, कई अनुत्तरित सवाल है जो जनता की अदालत में खड़े हैं। और निश्चित तौर पर जिन आरोपों को लेकर लोगों को गुमराह किया गया था, जिस दिन जनता की अदालत में हम जाएंगे, हम भी कहेंगे 5 साल तक सरकार और सत्ता दिल्ली और जयपुर में एक ही दल और एक प्रकार के लोगों के हाथ में थी, किसने रोका? सिद्ध करते, 5 साल का समय छोटा समय नहीं है, और सिद्ध नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह है कि जिस हथियार से इन्होंने हमारे परिवार किया, उस हथियार भोटा हथियार मानना पड़ेगा। राठौर साहब, अगर आज की बात करें हम, तो भाजपा अपने आप को चुनाव की दृष्टि से कहाँ स्टैंड करती है, क्योंकि साल भर का समय बाकी है अभी? भारतीय जनता पार्टी के पास इस पूरे प्रदेश में सर्वलोकप्रिय नेता, जिसको
शहर के बुद्धिजीवी से लेकर गांव में हल चलाने वाले तक ने अपना नेता के रूप में स्वीकार किया है, जिसको जाट राजपूत गुजर मीणा से लेकर बलही तक ने स्वीकार किया है, वो सुंदर राज्य है। और हम अपने उन कामों को लोगों के बीच में लेके जब गिनाते हैं, लोगों को कहते हैं कि तुम्हारे गांव में 24 घंटे बिजली किसने दी थी, लोगों को जब ये कहते हैं कि 250 तक का गांव के अंदर सड़क किसने पहुंचाई थी, लोगों को जब ये कहते हैं कि 16,000 स्कूल किसने खोले थे, लोगों को जब ये कहते हैं कि अक्षत योजना में बेरोजगार को 500 रुपये 600 रुपये भत्ता किसने दिया था, लोगों को जब हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण के नाम पर भामाशाह योजना किसने चालू की थी, तो लोग उस बात को याद भी करते हैं। और जिन योजना को इन माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोका है, और जब लोग ये कहते हैं कि हमारे, क्योंकि सरकार सरकार है, चाहे लोकतंत्र में किसी की हो, सरकार जनता की सरकार है, तो इस सरकार की चाली समझ में नहीं आई तो सरक सरक के भी नहीं चल रही है, सरकार का इकबाल ही नजर नहीं आ रहा है। राठौर साहब, वर्षों से अब राजनीति में है, ये जो समय रहा आपके लिए बड़ा कठिन समय रहा और स्थितियां बड़ी विचित्र रही, इसको किस दृष्टि से देखते हैं? दारा सिंह एनकाउंटर मामले में आपको आरोपी बनाया सीपीआई ने, और देखिए 2006 के अंदर ये एनकाउंटर हुआ, तब मैं राजस्थान का गृह मंत्री नहीं था। और मोटी सी बात एक ये है कि एक शराब माफिया के ड्राइवर से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है, पर सीबीआई का जिस तरह इस्तेमाल हुआ है, सीबीआई का इसी दारिया प्रकरण में नहीं, कभी मायावती को क्लीन चिट देते हैं, फिर मायावती पर सिकंजा कसते हैं, जब मुलायम सिंह यादव से पार्लियामेंट के अंदर एटॉमिक पावर के अंदर जब वोट की जरूरत होती है तब सिकंजा कसते हैं, जब वोट दे देता है सिकंजा ढीला कर देते हैं। आज जो केंद्र की सरकार अगर किसी उसका कोई सहायक के रूप में खड़ा है, तो उसके सहयोगी दलों के साथ साथ ये सीबीआई भी एक दल है, इसका भी एक काउंटर वहाँ खुला हुआ है, जो रोजमर्रा सरकार की गतिविधियों पर नज़र करके सरकार को संबल पैदा कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इन्हीं कारण से जब यह पूरा मामला दो न्यायिक अधिकारियों के सामने गया, पहले मुख्य न्यायिक अधिकारी के सामने गया, उन्होंने लिखा कि मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं तब बनता नहीं है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, वहाँ से मुझे 22 डिस्चार्ज किया है, अब उच्च न्यायालय में है, और मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई आगे तक चलेगी। तो मैं इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करता, अगर मैं दोषी हूँगा तो हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली पर औरों को विश्वास है या नहीं, मुझे अगाध विश्वास है, जो भी होगा मैं उसको स्वीकार करूंगा। पर मैं ये कह सकता हूं कि मुझ जैसे निर्दोष राजनीतिक कार्यकर्ता को प्रतिशोध की भावना से एक बार कृष्ण जन्मभूमि और जेल में जरूर पहुंचा सकते हैं, पर मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते। मैंने विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी को कहा था कि फौलाद का सेना लेके पैदा हुआ हूँ, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। और यही कारण है कि जनता की निगाहों में एक निर्दोष व्यक्ति हाँ मैं, और जब मैं पहली बार जेल से रिहा होकर सड़क पर निकला तो मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को देखने सुनने के लिए एक दो नहीं 50,000 लोग थे। ये मैंने भी कभी मेरे सपने में भी नहीं था कि इतने लोग मेरे साथ आएंगे। मैं राजनीति के अंदर हिंसा का विरोधी रहा हूँ, जातिवाद का विरोधी रहा हूँ, और इस ओछे अर्थकंडों का भी हमेशा विरोधी रहा हूँ। बात करें अगर आपके क्षेत्र की जो एक घटना रही, वहाँ के जो आपके वर्कर्स हैं, आपके जो वोटर्स हैं, राजस्थान में आपके हर जिले में लगभग आपके अपने समर्थक हैं, उन पर क्या असर है? देखिए, मैंने मेरे जीवन में अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया, ना ही मैं मेरी जन्मदिन की तिथि किसी को मालूम। मैं जब जेल के सिंकचों के पीछे था तो 21 अप्रैल को पूरे राजस्थान में मेरा जन्मदिन मनाया गया। 25,000 लोगों ने संकल्प पत्र भरे कि हमारा ब्लड लो, अपने घरों से निकल के कैंपों की तरफ लाए, और 9,868 लोगों ने ब्लड दे दिया मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए। आदमी सब कुछ दे सकता है, अपने खून देने से पहले उसके मन में जहन में ये बात आती है, मैं खून दे रहा हूँ तो किसके नाम से दे रहा हूँ? जब जनता की अदालत में, जन की नज़र में मैं निर्दोष हूँ, तो चाहे उसके बाद किसी तरह के जुमले कसते जाएं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं समझता हूँ कि ये जो दौर प्रारंभ हुआ है, पहले हरियाणा और पंजाब में सुना करते थे, राजस्थान में कभी माथुर आयोग के नाम पर वसुंधरा जी पर तीर चलाने की कोशिश, कभी सीबीआई के कंधे पर बंदूक रख के मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं पर करना, ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं है। सीबीआई का दुरुपयोग की बात अक्सर की जाती है, राजनीतिक दल और भी कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक विभाग है वो, लेकिन सरकार आपकी भी रही है, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे हैं, तो जैसे केजरीवाल वगैरह हैं, अन्ना ने भी मांग की है, तो क्यों ना इसको स्वतंत्र बॉडी के रूप में बनाया जाए? कई बार डांट भी पड़ती है सीबीआई को कोर्ट की भी। देखिए, लोकपाल के नाम पर जिस तरह की नौटंकी कर रही है सत्ता में बैठे लोग,
उनकी मंशा साफ नहीं है। अगर मंशा साफ होती तो ऐसे विषय पर सर्वदलीय सभा बुलाकर, सर्वदलीय संसद के अंदर मीटिंग बुलाकर इसका हल निकाला जा सकता था, शंकाओं का समाधान भी किया जा सकता था। परंतु शायद कुछ विषय ऐसे हैं, चाहे महिला आरक्षण का हो, चाहे भ्रष्टाचार के काले धन को वापस लाने का विषय हो, चाहे लोकपाल के मामला हो, इन मामलों में चर्चाएं होगी, चाय के प्याले में तूफान पैदा करते रहेंगे, पर हम उस नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। और इसमें दोषी वो लोग हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन किया। आज देश का दुर्भाग्य है कि शासन चला कौन रहा है और हो खिला कौन रहा है, रंगमंच के पीछे से डायलॉग डिलीवरी कौन दे रहा है और अभिनय कौन कर रहा है। अभिनय जब तक अभिनेता मन और आत्मा से नहीं करता तो उसके द्वारा किए अभिनित किए गए दृश्यों पर सजीवता नहीं आती। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी पीछे से सोनिया जी के उस पर चल रहे कठपुतली की तरह, और उसी कारण आज FBI का मामला हो, चाहे काले धन का मामला हो, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतों का बढ़ने का मामला हो, हर मामला यूं लगता है जिस तरह कोई शासन में बैठा व्यक्ति ने कमर कस रखी है कि जनता को का कचूमर निकालना, हमें संवेदनशीलता सारी खत्म हो गई। राठौड़ साहब देखिए, किस्मत बहुत बड़ी होती है, लोकतंत्र है, वक्त क्या करवट ले किसी को पता नहीं होता है। जीवन में अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो क्या प्राथमिकता होगी आपकी, ऐसी एक कि जो राजस्थान को उसकी जरूरत है और मुझे करनी चाहिए? ये एक काल्पनिक सवाल है। मैं बहुत जमीनी कार्यकर्ता हूँ और मेरी राजनीति में हमेशा एक कमी खामी भी रही है, तो मैं जिस नेता के प्रति समर्पित भाव से चलता हूँ फिर दाएं बाएं नहीं देखता। राजस्थान के अंदर अब तो संकल्प सिर्फ एक ही है, मैं खुद चाहे चुनाव लड़ूँ या न लड़ूँ, वसुंधरा जी जैसे नेतृत्व के हाथ में राजस्थान की बागडोर हो, राजस्थान के माथे से पिछड़ापन का कलंक फिर हटे, फिर हम मजबूती से खड़े हो कह सकेंगे ये आर्थिक रूप से स्वावलंबन किए हुए राजस्थान, ये वो राजस्थान जो शिक्षित राजस्थान है। आज जब राजस्थान के अंदर अभी की जनगणना में आंकड़े आए साक्षरता के, हम पूरे देश से नीचे की श्रेणी से तीसरे नंबर पर आके खड़े हो गए। हम सबसे अशिक्षित हमारा प्रदेश, शिक्षा में, चिकित्सा में, हमारे चाहे मेडिकल पैरामीटर्स आप देख लें, सब जगह पर मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, किस किस को अस्वस्थ राजस्थान, अशिक्षित राजस्थान, पिछड़ा राजस्थान, इस राजस्थान को एक बार फिर वो पुराने राजस्थान की दृष्टि से जय जय राजस्थान कह सके, इसलिए चाहते हैं कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में वही मुख्यमंत्री। मेरा एक छोटा सा सवाल हो रहा राठौड़ साहब आपसे, राजनीतिक जीवन ये सब अपने से बातें हुई, दुख तकलीफ जो भी रही वो भी उस पर भी सभी भी आपने बताया, राजनीति के अलावा अपना जो समय है कभी वक्त किस तरह से गुजारते हैं आप राजनीति के अलावा? जीवन में हमेशा मित्रों के बीच में बैठना, उनसे उनके साथ संवाद करना एक कमजोरी रही है। अब परिवार में भी खूब बैठता हूँ, मेरी पोती है छोटी सी ध्रुविका सिंह, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, 3 साल की है, समय गुजर जाता है। पढ़ने लिखने का, गाने सुनने का कोई शौक? गाने सुनने का शौक है भी और पूरा भी नहीं होता, पर सफ़र बहुत करता हूँ इसलिए सफ़र के अंदर सुनता जाता हूँ। वो आपका साथी होता उस समय। तो राठौड़ साहब, आपने जन टीवी में इतना वक्त दिया उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आप आए। तो समय सीमा का ध्यान में रखते हुए एक मुलाकात को देंगे हम यहीं पर विराम। राठौड़ साहब आप हमारे स्टूडियो पधारे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए मुझे भी इजाज़त, नमस्कार।